नमस्कार सत्यकार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पेस 101 में। गाइस, तो आज की इस वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा या थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो मैंने किस पे बनाई है। ये वीडियो मैंने बनाई है 10 अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ स्पेस। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, कुछ तड़कती भड़कती चीजें, कुछ मसालेदार चीजें, गर्म चीजें जिसे आप सुनकर खुश हो जाएंगे और कुछ नया फैक्ट सुनने को मिलेगा और छोक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फैक्ट नंबर वन, हमारा जो अर्थ है और हमारा जो मून है, उन दोनों के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के अंदर हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट समा सकते हैं। हाँ गाइस, आपने सही सुना है, अर्थ और मून के डिस्टेंस के बिटवीन में जितना डिस्टेंस है उसमें हमारे सारे प्लैनेट सोलर सिस्टम के समा सकते हैं। तो नेक्स्ट बात आती है कि जब अगर समझ लीजिए, अगर ये पॉसिबल होता कि हेयरप्लेन से हम प्लूटो तक जा सकते, तो आप सोचते कि कितने साल में हम वहां जा सकते थे? 700 साल लग जाते हैं। हाँ गाइस, अगर हम अर्थ से प्लूटो प्लेन में जाते थे तो हमें 700 साल लग जाते वहां पहुंचने के लिए, और ये अगर पॉसिबल होता तो ही। हाँ, तो थर्ड फैक्ट पे चलते हैं। तो थर्ड फैक्ट है गाइस, आपको पता है कि हमारे गैलेक्सी मिल्की वे में एक दिन में कितने स्टार्स जन्म लेते हैं, कितने स्टार्स बॉर्न होते हैं? सुन लीजिए फिर, चौंका देने वाली खबर, 275 मिलियन है जो स्टार्स एक दिन में फॉर्म हो जाते हैं हमारे गैलेक्सी में। फैक्ट नंबर फोर, हम कहते हैं कि एवरेज टेम्परेचर इधर का उतना है, उधर का इतना है, 40 से वो ज्यादा बढ़ता नहीं है। हम सभी को पता है कि वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है पूरे हमारे सोलर सिस्टम में। हाँ गाइस, वीनस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसे भी जरूर देखिएगा। तो वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है, तो आप कभी सोचे कि कितना एवरेज टेम्परेचर होगा वीनस का? सुना है, सुन लीजिए फिर, चौंका देने वाली खबर तो है ही है। 460 डिग्री सेल्सियस गाइस, 460 डिग्री सेल्सियस सिर्फ आपका एवरेज टेम्परेचर है। मैक्सिमम क्या होगा कि 500 प्लस तो नहीं होगा, लेकिन उतना कह सकता हूँ मैं। हाँ, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट फैक्ट, फैक्ट नंबर फाइव है, मैं कहूंगा कि आपको कभी आपको ने कभी सोचा है कि हमारा सूरज कितना वेट का होगा? अगर हम सूरज को मेजर करेंगे तो कितना वेट का होगा वो? नहीं, मैं कहता हूं, आप सुन लीजिए फिर, 2000 ट्रिलियन ट्रिलियन टन, यानी कि हमारा सूरज वेट करता है 2000 ट्रिलियन ट्रिलियन टन का, यानी कि हमारा सूरज उतने वेट का है हमारा सन। बहुत 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 भारी, बहुत ज्यादा भारी गाइस, अगर पूरी धरती की पॉपुलेशन भी उसे उठा नहीं सकती है, उसको हिला तक नहीं सकती है अगर पॉसिबल होता तो। नेक्स्ट फैक्ट, फैक्ट नंबर सिक्स, हमारे अर्थ से 3 लाख टाइम्स सन बड़ा है, यानी कि अगर अर्थ 1 मीटर का है तो सन 3 लाख मीटर का है, यानी कि 3 लाख गुना ज्यादा। और फैक्ट नंबर सेवन, तो ये भी सन और अर्थ के बीच में ही है। आपने कभी सोचा है, आपने सोचा होगा कि जुपिटर में इतने अर्थ जा सकते थे, इतने अर्थ फिट हो सकते थे, वो 300 अबव होगा, 500 लेस होगा, लेकिन आपने कभी सोचा है कि सन जो 3 लाख गुना बड़ा है हमारे धरती से, तो उसमें कितने सारे सन समा सकते, कितने सारे अर्थ फिट हो सकते, कितने सारे अर्थ फिट हो सकते? नहीं, फिर सोच लिया, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए और मुझे बताइए आपका क्या आंसर है। और अगर आपका आंसर है 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, तो अब बिल्कुल सही है। तो हमारे सन में 10 लाख अर्थ या 1 मिलियन अर्थ फिट हो सकते हैं। तो फैक्ट नंबर एट में अगर हम बात करते हैं, चलिए,
एस्ट्रॉइड बेल्ट में, जो हमारा सोलर सिस्टम का एस्ट्रॉइड बेल्ट है, उधर सबसे बड़ा वेस्टा है। वेस्टा एस्ट्रॉइड है, उस एस्ट्रॉइड का नाम है वेस्टा, सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड। उसकी ब्रेथ कितनी है पता आपको? 525 किलोमीटर। लेकिन उसपे एक माउंटेन है जो कि हमारे धरती के सबसे बड़े माउंटेन या सबसे बड़े पीक माउंट एवरेस्ट से 2 गुना बड़ा है। यानी कि अगर माउंट एवरेस्ट इतना है तो वो इतना है, बहुत बड़ा। फैक्ट नंबर 9 पे, फैक्ट नंबर 9 ये है गाइस कि हमारा जो धरती है उसमें से कितने लोग गए होंगे वहां, कहां स्पेस में? आपने कभी सोचा है? आपको लगता है 100, आपको लगता है 150, 200 समझ लीजिए मैक्स से मैक्स। लेकिन 200 से आप होता आप सोच नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ उतने मिशन दिखा रहे हैं। ज्यादातर मिशन जो होते हैं, जो हमको दिखाते हैं पब्लिक को, वो ज्यादातर स्पेस मिशन में, रॉकेट लॉन्चिंग के मिशन जिसमें एस्ट्रॉइड जाते हैं मून पे, वही दिखाते हैं। लेकिन ISS में भी बहुत सारे लोग जाते हैं। ISS का मतलब है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो वहां भी बहुत सारे लोग जाते हैं। तो अगर हम उसका ISS के पीपल को मिला के और जो इतने एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में गए उन सबको मिला दे तो टोटल आंसर रहता है 536। यानी कि धरती से 536 लोग गए थे स्पेस में। तो ये था हमारा फैक्ट नंबर 9। तो लास्ट फैक्ट में आते हैं, लास्ट फैक्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्ट। डायनासोर मैसासुरा पिबलोसोरम, डायनासोर मैसासुरा पिबलोसोरम एक डायनासोर का नाम है गाइस। उस डायनासोर के बोन्स को 1985 में कैरी किया गया था स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा। पर मुझे यहाँ एक बार समझ नहीं आई बोन्स लेके जाने की क्या जरूरत थी। यानी कि 1985 में महेशासुरा पिबलोसोरम वाज द फर्स्ट डायनासोर टू गो टू ऑर्बिट एंड इट बोन्स वर कैरीड टू द स्पेस। यानी कि उसके बोन्स को स्पेस में कैरी किया गया और वो पहला डायनासोर था। तो फैक्ट यही खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो नीचे लाइक का बटन है, उसे प्लीज प्रेस कर दीजिए और यू कैन डू इट ब्रो। तो हमको बहुत बहुत आगे जाना है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक का बटन लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कुछ नई वीडियो चाहिए स्पेस से रिलेटेड, किस पे चाहिए हमें कमेंट कीजिए, हम जरूर बनाएंगे। तो मेहनत हमारी, सपोर्ट आपका एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बॉस।